अगर आपका डेटा डिलीट हो गया और आप अपने डेटा रिकवर करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। जी हां, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपका किसी भी टाइप का डेटा, चाहे आपकी इंपॉर्टेंट पिक्चर्स डिलीट हो गए हैं, आपकी वीडियोस डिलीट हो गई हैं या आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स डिलीट हो गए हैं, आप तमाम टाइप का जो है वो डेटा रिकवर कर पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। अब ये जो आपका डेटा, चाहे आपके मैकबुक से डिलीट हुआ, आपके पीसी से, लैपटॉप से, या आपकी जो है वो हार्ड ड्राइव से डिलीट हुआ है, एसएसडी ड्राइव से डिलीट हुआ है, या आपका ये जो डेटा है आपके एसडी कार्ड या फ्लैश से कहीं से भी, ऑल सिनेरियोज में आप अपना जो है वो डेटा 100% रिकवर कर सकते हैं। अब यहाँ पे बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको एक सॉफ्टवेयर बताऊंगा जिसको हम यूज करते हुए ये डेटा रिकवर कर पाएंगे। तो ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, सीधे चलते हैं कंप्यूटर के डिस्प्ले पे और वहां पे मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह डेटा जो है हम रिकवर कर सकते हैं और हम जो है वो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करके ये डेटा रिकवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं कि हम अपने कंप्यूटर की डिस्प्ले पे आ चुके हैं और यहाँ पे जो है ये वेबसाइट हमने ओपन कर ली है। यहाँ पे आपको टेन्योर शेयर का सॉफ्टवेयर देखने को मिलता है, 4D गिग डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर। अब ये जो सॉफ्टवेयर है 100% जो है वो रिकवरी हमें प्रोवाइड करता है। अब इस सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है आप लैपटॉप, पीसी, इंटरनल एक्सटर्नल ड्राइव या यूएसबी फ्लैश डिस्क, एसडी कार्ड, ईटीसी सब से जो है आप डेटा रिकवर कर सकते हैं। और इसके साथ इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप जो 1000+ टाइप्स की फाइल्स जो है वो रिकवर कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसमें फोटोज, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स, ऑडियो फाइल्स, डिफरेंट टाइप की जो आपको फाइल्स देखने को मिल सकती हैं। और यहाँ पे आप जो एक्सीडेंटल फाइल्स जो आपकी डिलीट हो जाती हैं या फॉर्मेट्स हो जाती हैं, जो आपकी को पार्टीशन लॉस्ट हो जाती है या करप्ट हो जाती है या क्रैश्ड हो जाती है या कोई वायरस अटैक हो जाता है, सब जो है वो आप ऑल टाइप का डेटा जो है वो रिकवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी जो है आप देख सकते हैं जो कि आपको जो देखने को मिल जाती है, जिसमें आप डिलीटेड फाइल्स जो है या फॉर्मेट ड्राइव रिकवरी है, यहाँ पे जो लॉस्ट पार्टीशन रिकवरी है, यहाँ पे जो आपका जो कंप्यूटर वो क्रैश हो जाता है इस सूरत में रिकवरी है, और रॉ फाइल्स तक जो है आप यहाँ पे रिकवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो इस सॉफ्टवेयर को हम यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं। आप बेसिकली इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप जो विंडोज 11 में आप जो वो रिकवर कर सकते हैं डेटा, विंडोज 10 में भी कर सकते हैं, विंडोज 8.1 और विंडोज 8, विंडोज 7, तमाम विंडोज में जो है आप जो वो डेटा रिकवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये इसको हम जो फ्री डाउनलोड यहाँ पे कर लेते हैं, आपको यहाँ पे फ्री डाउनलोड देखने को मिल रहा है, इस पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे जो हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको इंस्टॉल करना है। जैसे ही हम इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि इंस्टॉलेशन यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है और इंस्टॉल होता है जैसे ही, बाकी चीज़ें यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे आपको जो है वो फाइल्स डिलीट करके रिकवर करके दिखाऊंगा। यहीं इसी पीसी में हम फाइल्स डिलीट करेंगे और देन उनको जो हम रिकवर करेंगे। तो जैसे ही यहाँ पे इंस्टॉलेशन कम्प्लीट होगी तो हम स्टार्ट पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर जो है वो सॉफ्टवेयर ओपन होना स्टार्ट होगी और यहाँ पर मैं आपको जो है वो फिर रिकवरी देन करके दिखाता हूँ। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप कौन सी जो है वो ड्राइव से जो है वो डेटा रिकवर करना चाहते हैं, कि किसी एक्सटर्नल ड्राइव से करना चाहते हैं या किसी लोकल ड्राइव से जो है वो डेटा रिकवर करना चाहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो है मैं जो है यहाँ पे एक्सटर्नल ड्राइव से जो वो डेटा रिकवर करना चाहता हूँ। अब यहाँ पर हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक एक्सटर्नल जो USB मैंने लगाई हुई है, इसमें से डेटा डिलीट करूँगा और देन रिकवर करके दिखाता हूँ आपको इसी सॉफ्टवेयर के थ्रू, टेन्योर शेयर का जो है 4D डिग सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर हम जो है वो ओपन कर लेते हैं और आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक फ्लैश है, यहाँ पे इसमें कुछ पिक्चर्स आप देख सकते हैं और एक वीडियो मौजूद है। हम जो है इसको जो डिलीट कर देते हैं, यहाँ पे कंट्रोल ले करके यहाँ पे हम इसको जो डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे मैंने इनको परमानेंटली यहाँ पे डिलीट कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी ये जो USB ड्राइव है बिल्कुल एम्प्टी हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे जो है हम डेटा रिकवर कर लेंगे अब यहाँ पे जो है 4D डिग सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो हम इसको ओपन करते हैं और यहाँ पे हम अपना जो है वो डेटा रिकवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस ड्राइव से हमारा डेटा डिलीट हुआ है और हम इससे जो है वो रिकवर करना चाहते हैं। तो हम इसको ओपन कर लेंगे और यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं कि आप किस टाइप का जो वो डेटा रिकवर करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम ऑल टाइप्स पे क्लिक कर लेते हैं, स्कैन ऑल फाइल टाइप्स, तो इस पर हमने क्लिक कर दिया और यहाँ पे जो डेटा रिकवरी स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेटा रिकवरी स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह जो यहाँ पे 14% जो रिकवरी हो चुकी है। तो यहाँ पे फाइल्स जो हैं वो रिकवर हो चुके हैं, यहाँ पे 37 फाइल्स जो हैं मिल चुकी हैं सॉफ्टवेयर को जो यहाँ पे जो है वो रिकवर कर रहा है और 15% अभी तक जो है वो रिकवर हो चुकी है। जैसे ही रिकवर होती है तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो यहाँ पे 33% ही रिकवर हुआ है और यहाँ पे मेरी जो है वो फाइल्स जो हैं वो
यहाँ पे मिल चुकी हैं, यानी कि 33% ही स्कैन हुआ है और यहाँ पे जो है वो मेरी फाइल जो है वो मिल चुकी हैं। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि मैंने कौन सी फाइल्स जो है वो यहाँ पे रिकवर करनी है। तो यहाँ पे मैं उनको सिलेक्ट कर लेता हूँ जो फाइल्स मैंने रिकवर करनी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे वो पिक्चर्स मिल गई हैं जो मैंने डिलीट की थी अभी रिसेंटली, और इनके साथ जो है वो मैंने एक वीडियो भी डिलीट की थी तो वो भी यहाँ पे मुझे मिल गई है। तो यानी कि जो जो चीज़ें मैंने की थी वो मुझे यहाँ पे मिल गई हैं और मैं इनको जो वो रिकवर कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने ये फाइल सिलेक्ट कर ली हैं और जो कि मैंने डिलीट की थी रिसेंटली। अब यहाँ पे ये मैंने सिलेक्ट कर ली अपनी फाइल्स और इनको पिक्चर्स और वीडियो जो थी, और अब यहाँ पे जो हम रिकवर कर लेते हैं। तो जैसे ही हमने यहाँ पे रिकवर पे क्लिक किया तो यहाँ से हम पूछ रहे हैं कि आप कौन सी ड्राइव में रिकवर करना चाहते हैं। तो भाई जिससे हमने डिलीट की थी हम अगेन उसी में ही रिकवर करेंगे। मैंने सिलेक्ट कर लिया और रिकवर पर यहाँ पर जो है मैंने क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे रिकवरिंग स्टार्ट हो चुकी है और देख सकते हैं कि आप पिक्चर्स रिकवर हो रही हैं यहाँ पे, और ये थोड़ा सा टाइम लेंगे, विदिन 1 or 2 minutes यहाँ पे जो रिकवर हो जाएगा। तो जैसे रिकवर होती हैं तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे गाइस हमारी जो हैं वो फाइल्स रिकवर हो चुकी हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिकवरी हो चुकी है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं व्यू रिकवर पे क्लिक कर लेता हूँ और देख लेते हैं कि हमारी कौन सी फाइल्स यहाँ पे जो है वो रिकवर हुई हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारी फाइल जो हैं वो कौन कौन सी रिकवर। तो यहाँ पे आप डिलीटेड फाइल्स में देखें तो ये आपको सारी फाइल्स देखने को मिल जाती हैं, और यहाँ की बजाय मैं आपको वहाँ पे भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे बैक कर लेते हैं और हम जो है वो अपनी यूएसबी ड्राइव में ही यहाँ से ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने अपनी यूएसबी ड्राइव ओपन कर ली है और यहाँ पे हमें जो एक फोल्डर देखने को मिल जाएगा जो कि 4D गिग के नाम से होगा। अब इस फोल्डर को हम जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पे जो है हमें इस तरह जो डिलीटेड फाइल्स देखने को मिल जाएंगी, जिसमें हमारी जो पिक्चर्स वीडियोस जो कि हमने डेल की थी वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, यानी कि रिकवर होके यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। तो कुछ इस तरह ये रिकवरी होगी। अब यहाँ पे मैं आपको वो जो पिक्चर्स ओपन करके भी दिखा देता हूँ यहाँ पे जो कि हमारी डिलीट हुई थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पिक्चर आपको शो हो गई यहाँ पे जो कि हमने डिलीट की थी और यहाँ पे हमारी रिकवर होके आ गई। यहाँ पे एक और पिक्चर ओपन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये पिक्चर थोड़ा लोड ले रही है और यहाँ पे ये पिक्चर भी ओपन होके आ गई हमारे पास। तो जो भी हमने पिक्चर्स डिलीट की थी यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी पिक्चर्स और एक वीडियो हमने की थी हमें देखने को मिल रही है। तो कुछ इस तरह यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर जो वो रिकवर करता है और इसकी जो रिकवरी वर्क करती है। अब यहाँ पे इनकी वेबसाइट पे अगेन जाते हैं सॉफ्टवेयर की वेबसाइट पे, और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो सॉफ्टवेयर है इसको हम बाय कैसे कर सकते हैं यूज़ करने के लिए। तो यहाँ पे बाय नाउ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अपने बाय नाउ पे क्लिक किया तो आपको कुछ प्लान्स देखने को मिल जाते हैं। अब इसका जो 1 month लाइसेंस है यहाँ आपको $45 का देखने को मिल जाता है। तो आप कहेंगे यार ये थोड़ा महंगा है, बट यहाँ पे आपने परेशान नहीं होना, मैं आपको यहाँ पे डिस्काउंट लेके दूंगा। वो कैसे डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएगा, ये आपको काफ़ी कम प्राइस में देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे डिफरेंट प्लान्स देखने को मिल जाते हैं, एक 1 year का, एक लाइफ टाइम का, और अगर आपने बिजनेस के लिए बाय करना है तो यहाँ पे भी आपको जो है वो प्लान देखने को बिजनेस के लिए भी देखने को मिल जाते हैं। लेकिन हम अभी यहाँ पे इंडिविजुअल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको जो है डिफरेंट प्लान देखने को मिल जाते हैं। 1 year वाला जो प्लान है ये मुझे सबसे बेस्ट लगा है यहाँ पे, और इसको आप जो वो प्रेफर कर सकते हैं अगर आप बाय करना चाहें। और ये जो है आप इसको जो वो किस तरह सस्ते में बाय कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप जैसे ही बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने कूपन कोड यूज़ करना है जो कि मैंने आपको नीचे शो कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आपने कूपन कोड यहाँ पे आपने क्लिक करना है। ये आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा रिडीम कूपन कोड, और यहाँ पे आपने जो वो फिल कर देना है। जैसे ही आप फिल करेंगे ये आपको जो $45 का सॉफ्टवेयर देखने को मिल रहा है ये आपको $32 में मिलेगा। तो यहाँ पर आपको 30% डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। इसी तरह ये जो है आप इसको जो बाय किसके थ्रू कर सकते हैं, तो आप इसको पेपाल के थ्रू कर सकते हैं, मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड, इस तरह आपको यहाँ पर डिफरेंट देखने को मिल रहे हैं जिनके थ्रू जो आप बाय कर सकते हैं डिफरेंट कार्ड्स के थ्रू। तो कुछ इस तरह यहाँ पे हमें जो है इसको बाय कर सकते हैं, और कुछ इस तरह इसके जो वो पैकेज देखने को मिलते हैं जिसमें आप 30% डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं अगर आप जो है वो मेरा कूपन कोड यूज़ करेंगे जो कि मैं आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हैं कि हमने 100% डेटा रिकवर कर लिया है, और अगर आप चाहते हैं कि ये सॉफ्टवेयर आपको डिस्काउंट के साथ मिले तो जो कि आपको मैंने कूपन कोड दिया है पहले भी मैंने आपको शो किया, दोबारा यहाँ पे आपको डिस्प्ले पे देखने को मिल रहा होगा, फर्स्ट कमेंट में भी आपको जो है वो कूपन कोड देखने को मिल जाएगा। इसको अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको 30% डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, और ये जो आपको सॉफ्टवेयर है काफ़ी सस्ता देखने को मिल जाएगा जो कि 1 year वाला इसका लाइसेंस है वो सबसे बेस्ट है। अगर आप उसको बाय करना चाहें वो ज़्यादा हमें जो बेहतर डील देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे कुछ यूँ इस तरह ये हमें सॉफ्टवेयर देखने को मिल जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।